जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्मी साहब। दोस्तों अभी अभी हम सुबह हाफ लॉन्ग से इंटरव्यू देके मतलब फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करके और ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई होकर अभी अभी घर पे पहुंचा। मतलब वहाँ पर वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं मिला तो सोचा घर पे ही बना लेता हूँ एक। तो इसी से बहुत बंदे ने कमेंट कर रहा था वहाँ पर फिजिकल टेस्ट क्या ले रहा था और डॉक्यूमेंट क्या क्या मांग रहा था हाफ लॉन्ग सेंटर में, जो सफाई का ट्रेड है ना, जिन जिन भाई लोगों ने सफाई का ट्रेड में अप्लाई किया है उन भाइयों ने बहुत डर लग रहा है क्या क्या डॉक्यूमेंट मांग रहा है और ट्रेड टेस्ट में क्या आरोहा का रोड है या पहाड़ी इलाका है। तो इसी वीडियो में हम आप लोगों को सारे डिटेल्स बताएंगे, डिटेल्स पूरी जानकारी बताएंगे, तो वीडियो में बने रहे। और मेरे साथ है अनवर आसम जी, जय हिंद। तो अभी इसी वीडियो में अंदर वो भी गया था इंटरव्यू देने के लिए, ये भी क्वालिफाई हो गया, तो आप लोग वीडियो में बने रहे। तो सबसे पहले आपका जब असम राइफल मतलब हाफलॉन्ग में आप कैसे पहुंचोगे, गुवाहाटी से हाफलॉन्ग जाने के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिलेगा, तो ट्रेन में जाके मतलब उधर ऑटो मिलेगा, ऑटो से 100 रुपया भाड़ा लेगा, आपको असम राइफल कैंप में सो रहेगा, समझे। कैंप में जाके आप जहाँ पे रह सकते हो रह लेना, उधर फिर रूम मिलेगा आपको। बाद में आपको सुबह असम राइफल कैंप में जाना पड़ेगा, जाके आप जब मतलब कैंप में जाने के बाद आपको एडमिट देख के अंदर भेजेगा, भेजने के बाद आपको लाइन में खड़ा करके कैसे कैसे दौड़ना होगा वो सब बता के आपको दौड़ने के लिए ले जाएगा। तो रूट कैसा है सबसे पहले बताएंगे, वहाँ की रूट है दोस्तों मतलब थोड़ी अप है थोड़ी डाउन है, मतलब 40 डिग्री अप और 40 डिग्री डाउन। तो आप लोग मेहनत करते हो ना तब आ जाओ, नहीं तो मत आओ, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है, आपको दौड़ने का ताकत है तो आ जाओ, नहीं तो मत आओ, पैसा बेकार में नहीं खर्च करना है, समझ गए। तो सर ऐसे दौड़ लगाने के बाद आपको हाइट वेट चेस्ट दिखेगा, आपका हाइट 80+ होना चाहिए और चेस्ट 5 इंची फूलना चाहिए, नहीं फूलेगा तो आपको डायरेक्ट रिजेक्ट कर देगा हाफ लॉन्ग में। और आपका हाइट 165 से ऊपर होना चाहिए, नहीं होगा तो आपको रिजेक्ट कर देगा। और वेट 75-78 के पास होना चाहिए, नहीं होगा तो आपको डायरेक्ट रिजेक्ट कर देगा। बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, डॉक्यूमेंट में दोस्तों पीआरसी या डोमिसाइल या स्थायी निवास और दोस्तों ये और पुलिस वेरिफिकेशन और जितना वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड पैन कार्ड वो सब चाहिए। और कोविड हाफलॉन्ग में कोविड का टेस्ट रेड टेस्ट ये सब नहीं देखता, तो आप लोग रेड टेस्ट मत कीजिए। और बहुत बंदे ने कमेंट करा था 72 आवर्स ये सब नहीं चाहिए हाफलॉन्ग में, हम लोग टेस्ट करके गया था लेकिन नहीं देखा हम लोग का। तो बहुत भाई ने कमेंट किया था पीआरसी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगा तो क्या होगा, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगा तो हाफलॉन्ग से रिजेक्ट कर देगा। दोस्तों बहुत सेंटर में अलग अलग है, मेजर अलग अलग का है, तो ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट सारे लेकर आना है, मार्कशीट ओरिजिनल लेने का और सारी कॉपी फोटो कॉपी लेके आना है। तो डॉक्यूमेंट्स हो गया। और दोस्तों अभी हम लोग क्या करना होगा, आपको भेज देगा, बाद में पिछले दिन आपका ट्रेड टेस्ट करेगा। ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, क्या क्या पूछता है मैं भी बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। दोस्तों हम आसाम से बिलोंग करते हैं, मेरा मातृभूमि आसामी से, इसलिए हिंदी बोलने में थोड़ा दिक्कत आता है, तो कोई भाई मेरे को ठट्टा करता है, भाई इंसल्ट मत करो क्योंकि मैं हिंदी बोलने के लिए ट्राई कर रही हूँ। सबसे पहले आपको ट्रेड टेस्ट में भेजेगा पिछले दिन ट्रेड टेस्ट में भेजेगा। भेजने के बाद आपको मतलब सफाई क्या सारे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, कैसे कैसे क्वेश्चन, मतलब आपको ऐसे पूछ सकता है, जो आपको एक टेबल दिया गया वहाँ पर सैनिटाइज मार के आप कैसे साफ करोगे ऐसे सैनिटाइज, और हम लोग को ऐसे और हम लोग का दोस्त को ऐसे ऐसे पूछा था, और पूछा कि और दो आधुनिक मशीन का नाम बताइए जो सफाई में काम आता है दो, और बोला कि सैनिटाइज में कौन सी केमिकल मिला हुआ है, समझ गया। और लेटरिंग आप किस मेडिसिन से केमिकल से साफ करोगे, और आप ज़मीन के अंदर क्या आपको अगर कोई सामान देगा कचरा देगा तो आप क्या क्या चीज़ ज़मीन के अंदर गार दोगे, समझ गया। और दोस्तों और इतने ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है, और WHO का मतलब क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है पूछता है तब मतलब। तो आप सभी लोगों ने सफाई का सारे कुछ मतलब
पढ़ लेना मर मुहस्त कर लेना। और दोस्तों जो सफाई में काम आता है R1 का मतलब है दोस्तों, जैसे R1 का मतलब है बाथरूम सेंडाइस, तो R2 का मतलब और परफॉर्म प्रेजेंट ऑन एज एन ओनली, ऐसे ऐसे दोस्तों R1 से लेके R9 तक आप लोग याद रखना है। आपको पूछ सकता है कि R5 का मतलब क्या है, तो आप लोग ऐसे ऐसे जैसे R7 का मतलब है फ्लोर सेंडाइस, फुल फ्लोर क्लीनर, तो ऐसे ऐसे आप लोग याद रखना है, समझ गए। और ऐसे ऐसे सफाई किया जितना भी क्वेश्चन है आप लोग याद करना है। हाफ लॉन्ग में अगर दोस्तों सफाई में ट्रेड टेस्ट में मतलब फेल हो गए ना, तो आपको डायरेक्ट रिजेक्ट कर देगा। तो आप लोग को यही बताना था, आप लोग को सारी जानकारी दे दिया मैंने। अगर आप रनिंग मेहनत 24 मिनट लगता है, अगर आपका रनिंग तब इधर मत आओ, क्योंकि यहाँ पर हिल्स एरिया है, 40 डिग्री अप है 40 डिग्री डाउन है, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और दोस्तों हम लोग का जीवन केरासिन हो गया, ऐसे तो शुरू जो होगा हुआ। और पोस्ट भी कम है, एक पोस्ट है असम में, 7 पोस्ट है सफाई का, जनरल का 2, ऐसे ऐसे पोस्ट बंदे बहुत है। तो जो कि आप आ सकते हो तो आ जाओ, बहुत अच्छा एरिया है। तो उसी उम्मीद से विदाई मांगती हूँ और एक स्पेशल की वीडियो की तरफ। जय हिंद।